कॉमर्स ट्वेल्थ डाला था ना इसलिए। चल देख क्या कर रही छोड़ना है सर। चल इसको तो हटा दी सर। होगी ना सेटिंग स्टार्ट हो गया है। हाई सर लिखा हुआ रहा है दोबारा से रिस्टार्ट को फिनिश करो तो दोबारा स्टार्ट क्यों बंद करना दोबारा से नाम बंद करना कुछ नहीं होता क्यों नज़र भी आ रहा कॉमर्स का डालू कॉमर्स चल स्टार्ट कर। Hello friends, today we are going to take our first class in business studies. And as you know, the first chapter, name of the chapter is Nature and Significance of Management. I know that you must have lost many days in how to go ahead with this chapter or how to go ahead with your studies. But now we are going to sort out this problem through this live session. So let us understand the first chapter, the name of the chapter is Nature and Significance of Management. Okay. Now, first of all, before starting the chapter, I would like to give a brief information about what we are going to study in this chapter. ये तो बात clear है that here in this chapter we are going to study about management. हमने एक तो बहुत बात हुई है manage करना है. लेकिन उसका exact meaning क्या है, किस तरीके से manage किया जाता है, this is what we are going to do in here this chapter. Now, management में we are going to study about its nature. कि management है कैसा होता है मैनेजमेंट एंड हियर द सिग्निफिकेंस इंडिकेट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज समथिंग विच वी सी एवरीवेयर हमारे घर में हमारे ऑफिस में हमारे स्कूल में एवरीवेयर वी सी दिस मैनेजमेंट या सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैनेजमेंट फर्स्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस आई हैव अंडरलाइंड द वर्ड प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट अ थिंग किस तरीके से मुझे अपना क्लास 12 का रिजल्ट प्रिपेयर करना ठीक है ना सो हम मैनेजमेंट करते हैं टू गेट द थिंग्स डन ताकि मेरे गोल अचीव हो सके सो फॉर अचीविंग द गोल्स एंड वी शुड बी डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सो दीज आर द मेन थ्री टर्म्स विच वी हैव टू टेकन केयर ऑफ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस प्रोसेस का क्या मतलब है जहां पर हम लोग कोई हम काम करने जा रहे हैं लाइक इफ आई वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस मैं सीधे जाके कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देती आई हैव टू थिंक अबाउट एक और एग्जांपल लेते हैं आपने अभी रिसेंटली क्लास 12 का आपने फेयरवेल पार्टी तो आपने क्या एकदम से वहां पे चले गए थे नहीं एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपरली मैनेज्ड आपने क्या किया पहले ये सोचा कि क्या काम करना है कैसे करना है वो सारा काम तो यू जस्ट थिंक अबाउट कि मुझे काम करना क्या क्या है हमने सोचा कि हाँ हमें डांस पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज करना होगा हमें कुछ अच्छे से स्क्रिप्ट बनानी होगी मुझे अपने सीनियर्स को कुछ टाइटल देने होंगे कुछ स्पीच वगैरह तैयार करनी होगी कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट थिंक अबाउट कि मुझे काम करना कैसे सो फर्स्ट प्रोसेस का पहला साइकिल का फर्स्ट हमारा सीन आता है दैट इज प्लानिंग आप सबसे पहले प्लान करते हो क्या काम करना है कैसे काम करना है प्लान को करने के लिए वी ऑलवेज ऑर्गेनाइज आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे मैंने क्या करा पूरे काम को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कौन कौन सी कैटेगरीज से एंटरटेनमेंट के अंदर डांस और गुड सॉन्ग आ गया देयर आफ्टर स्पीच जो हमें देनी पड़ेगी देयर आफ्टर गेम्स देन डेकोरेशन जो बातों को भी देखना है आपको
केटरिंग है कि वहाँ पे कैसे लोग सिटिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे रिफ्रेशमेंट दी जानी चाहिए, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो उसके लिए पहले आपने काम को सोचा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग। सो जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करना है और कौन कौन ये काम करेगा, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, देन इट इज योर स्टार्टिंग। जो काम आपने डिसाइड किया, वो काम आपने दूसरों को दिया। आपने किसी को आर्ट ग्राफ का काम दिया हो, जो कार्ड वगैरह बनाएगा उसको दिया हो, जो आर्ट ग्राफ बहुत अच्छा है, या आपका आपने एंकरिंग के लिए किसी को कहा होगा जो बोलता बहुत अच्छा है, जिसका क्रिएटिव माइंड है वो गेम्स के बारे में भी उसको काम दिया होगा। यही नहीं, आपने किसी को अरेंज फॉर द फंड्स, मेरे प्रोग्राम में पैसा लगना है, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें आप में आपस में अरेंज करनी है। तो द वर्क विच यू हैव डिसाइडेड कि मुझे काम करना है, वो आपने लोगों को अलॉट करना है। स्टाफिंग, तो आपने लोग पहले सोचे कि किस किस को क्या काम देना है, सब लोग सोचने के बाद आपने उनको डायरेक्शंस दिया कि क्या काम करना है। सो डायरेक्टिंग, नेक्स्ट इज योर डायरेक्टिंग, कि आपने उनको डायरेक्शन दी क्या काम करना है, कैसे काम करना है। एंड योर टीचर मस्ट बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग हैज बीन डूइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट। तो आपने अपना टारगेट अचीव किया, प्रॉपरली उसको मैनेज किया, ये प्रोसेस। आज आपने पेपर पार्टी ऑर्गेनाइज करी, कल को आप टीचर से ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसके बाद आपने अपने घर का कोई फंक्शन आपको भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ये प्रोसेस है जो हमेशा चलता जाता है, इट इज एवर गोइंग प्रोसेस, कभी एक ऑब्जेक्टिव कभी सेकेंड ऑब्जेक्टिव। सो डाटा भी से मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज़ के लिए, टू अचीव योर गोल। आपका गोल क्या था कि पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए या फिर मार्क्स आपके अच्छे स्कोर हो जाए, सो दैट इज योर मैनेजमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होगा, सिंपली मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क। मेरा काम पूरा होना चाहिए जैसे भी मेरा काम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है विदिन अ वीक, ठीक है, अगर मुझे वीक में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है लेकिन मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लाइट है, क्या मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे काम करूँ। तो आपने क्या करा, आपने अपने इस काम, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने वर्क उसको दो शिफ्ट में बुलाना शुरू कर दिया, यानी कि अब क्या हो रहा है, ओवर टाइम। तो 1 वीक के बाद अगर मैनेजर अपनी टास्क अचीव कर लेता है विद क्या बोलते हैं, ओवर टाइम ऑफ द वर्कर्स, बतावे से बात कर ओवर टाइम, तो इन दैट केस इफ यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग, दैट इज योर इफेक्टिवनेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सिंपली सेज टास्क कंप्लीशन, वो तो होना ही होना है, बट इट शुड बी डन विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टास्क अचीव हुआ लेकिन कॉस्ट ज्यादा लगी, यू वुड नॉट बी टर्म्ड एज एफिशिएंट, यू वुड बी ओनली टर्म्ड एज इफेक्टिव। तो कोई भी मैनेजमेंट हो, काम कंप्लीट करना और काम कंप्लीट करना एट मिनिमम कॉस्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो वी कैन से दैट इन टोटल इफेक्टिवनेस प्लस योर एफिशिएंसी गिव बर्थ टू योर प्रॉपर मैनेजमेंट। आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। हाँ, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यू ऑलवेज हैव टू कीप अ थिंग्स इन योर माइंड, हमेशा बोर्ड में इनसे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इनके डेफिनेशन रिलेटेड और इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। सो वी केम टू नो दैट इफेक्टिवनेस सिंपली स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क, एंड एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, और वी कैन से विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज दैट दीज ऑल थिंग्स जो आपके लिए केस स्टडी की फॉर्म में जरूर आता है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। कैन यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, कोई भी चीज अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं होती है,
उसमें अगर मैनेजमेंट मिसिंग होगा तो यू वुड बी एबल टू अटेन नथिंग. आप किसी भी हालत में कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं. और ये आप हर जगह पर ट्राई करके देख लीजिए. यू कैन सी द मिसमैनेजमेंट ऑल्सो. कभी टाइम से काम कर लिया होता, मैनेज लॉकडाउन कर लिया होता, तो क्या वो उनकी इतनी बुरी हालत होती वहाँ पर की. अब इंडिया में क्या हो रहा है, वी आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से ही लॉकडाउन करवा दिया हमारे यहाँ के तो प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें, हमें क्या बेनिफिट मिला कि हमें टाइम से मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में रहे. बिकॉज इंडिया एज अ वेरी बिग कंट्री जहाँ पर कितने लोग रहते हैं, अगर यहाँ पर COVID-19 हद से फैल गया तो सब लाशें ही लाशें होंगी. तो यहाँ पर मेरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ में अगर मैनेजमेंट नहीं है इट विल लीड टू जीरो. सो दिस डेफिनेशन जो है आपके केस स्टडी के फॉर्म में आपसे कभी भी पूछी जा सकती है. जैसे तो कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क योर डाउट. ओके ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. पहले हम फीचर्स लिख दिए हैं लेकिन हम उनको एक एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड. ताकि आप अपना 12th का रिजल्ट उठा सके. जो हमें आज लॉस हो रहा है क्लासेस में ना लॉस में सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अपना काम किया जाता है.
तो आपने क्या, क्योंकि जो पास करेंगे उसको वो काम दिया जाएगा, तो आपने काम क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज बीन डिसाइडेड. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क सिंपली सेज कि काम क्या करना है, पहले ये तो बताओ, फिर हम काम करना शुरू करेंगे. नाउ व्हाटएवर वी हैव डिसाइडेड इट इज नाउ बीन गिवन टू द पीपल. किसको देना है? ऑल दोज हु आर एलिजिबल, जो उस काम को कर सकते हैं. तो एलिजिबल कौन होगा? जो उनका एक्सपीरियंस होगा, जो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिसाइड. सो नाउ व्हाटएवर वर्क वी हैव डिसाइडेड व्हिच वर्क वी नीड टू डू, दिस वर्क हैज बीन अलॉटेड टू द नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एफिशिएंसी एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन. सो व्हेन दिस वर्क हैज बीन गिवन टू द पीपल, दैट इज योर टर्म्ड एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. कि कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा. अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल कितना बड़ा है, और इसमें हमें क्या डिसाइड करते हैं, देयर शुड बी वन प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, देयर आफ्टर हेड मास्टर्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. लेकिन अगर बहुत बड़ा स्कूल है तो क्या होगा, प्रिंसिपल्स, देयर आफ्टर वाइस प्रिंसिपल. एक नहीं होगा, हो सकता है कि दो हो सकता है तीन हो, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं स्कूल के अंदर, कितना बड़ा स्कूल हो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे उसको डिवाइड करने जा रहे हैं टास्क. सो काम पर डिसाइड करा, देयर आफ्टर वर्क दैट वर्क इज बीन अलॉटेड टू द पीपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. जो काम करना है, काम ये करना है, लोगों ने करना है, कैसे करना है. सो यहाँ मुझे आंसर मिलता है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, बाय हूम इट इज टू बी डन. Here, how it is to be done. How? काम को किया कैसे जाएगा, कौन करेगा. So there is a combination of the जो लोगों को अपॉइंट करना था, जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल, वो यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर फुलफिल होता है. जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर ऑपरेशन की बात करनी है, लोगों के अपॉइंटमेंट करने के लिए नहीं ना, देन यू मूव टू क्लास 11,
क्लास 11 में आप गए, क्लास 11 में भी हमने अपना पूरा मैनेजमेंट किया कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होती है तो मुझे किस तरह से मार्क्स फेच करने हैं, टीचर्स बिल्कुल नहीं होते हैं आपके लिए. तो यू हैव प्लान योर स्ट्रैटेजी अगेन कि हाउ टू मैनेज योर थिंग्स, टाइम और स्टडीज दोनों को आपने मैनेज किया. नाउ अगेन अब आपकी क्लास 11 ओवर हो गई है, नाउ अगेन यू मूव टू योर क्लास 12. अब आपके अलग से अगर आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इन दैट केस मैनेजमेंट चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता. और ये भी नहीं है कि ट्वेल्थ के बाद खत्म हो जाएगा, ट्वेल्थ के बाद आप कॉलेज जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो इट विल गो ऑन. कभी घर पर करेंगे, कभी ऑफिस में करेंगे, कभी कहीं और करेंगे. सो मैनेजमेंट इज समथिंग विच कीप्स ऑन गोइंग, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलता जाएगा. बार बार प्लान करते हैं, बार बार ऑर्गेनाइज करेंगे, किसने करना है, मैंने करना है, किसी और से करवाना है, वो प्रोसेस मेरा हमेशा चलता जाएगा. तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देयर आफ्टर लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप एक्टिविटी. एक बात का जवाब दीजिएगा मुझे कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ग्रुप एक्टिविटी, कोई भी काम आप करते हैं, मम्मा घर का कोई भी काम करती है, सारा काम मम्मा खुद करती है, नहीं, मम्मा आपसे काम करवाती है, आपकी हेल्प लेती हैं, पापा की हेल्प लेती हैं, या कोई और फैमिली मेम्बर है उनकी हेल्प लेती हैं. क्यों लेती हैं? क्योंकि सारा काम खुद करना इज नॉट पॉसिबल. हर काम मुझे दूसरे के साथ कुछ काम करवाना पड़ता है, कुछ काम मुझे खुद करना पड़ता है. तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है. हम किसी बिजनेस की बात करें तो कोई भी बिजनेस आप अकेले नहीं चला सकते हो. यू नीड सपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन. आप हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते. आपको प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, फंड्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड होना पड़ता है. सो मैनेजमेंट इज बेसिकली अ टीम वर्क. इज बेसिकली अ टीम वर्क जहाँ पे सब मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे. दैट्स व्हाट इज टर्म्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी. अगेन बात करते हैं कोई भी काम की प्रोडक्शन लेना है, मैं चलिए हम लोग उसको फोर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. प्रोडक्शन में फोर डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर आफ्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो बनाया है वो बेचना भी तो जरूरी है. एंड ऑल दिस वर्क इज बीन डन बाय योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. बिना इंसान के यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क. तो जब मैं सब काम मेरा यहाँ पर जब हो रहा है, ऑल द फोर डिपार्टमेंट्स हमको अकेला अकेला कौन चला रहा है? नंबर ऑफ पीपल आर बीन इन्वॉल्व हुज वर्क हैज बीन वेल कोऑर्डिनेटेड. ऐसा प्रोड्यूस ना करूँ. सिमिलरली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द प्रोडक्शन मैनेजर कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है. अकॉर्डिंगली आई विल आस्क फॉर द फंड्स फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट. एंड अकॉर्डिंगली दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल इन्फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि मुझे किस तरीके के वर्कर्स चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस, तो मेरा कोई भी काम मैं अकेले नहीं कर सकती. आई नीड द हेल्प नंबर ऑफ पर्सन. तो इन सबको मिला करके हम टीम वर्क हम करते हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. आई होप दैट दिस पॉइंट इज बीन क्लियर टू ऑल. आप कमेंट दीजिए ताकि अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल लुक एट योर डाउट्स एंड आई विल गिव द सॉल्यूशंस टू योर लेवल नॉलेज in the next session. Yeah. Now that's the last two points are being left. What are those? Dynamic function. Do you know what is the meaning of dynamic? Yes, dynamic simply means ever changing, which keeps on changing. अगर हम बात करते हैं अपने किसी दुकान के मैनेजमेंट की, तो हम सेम अपने पुराने ख्यालों में रह करके काम नहीं कर सकते. हमें वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरमेंट. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक. पहले क्या होता था, सारा काम मैनुअली होता था. हर एवरीथिंग, बैंक की बात करूँ या मैं नॉर्मल ऑर्गेनाइज बात करूँ, एवरीथिंग हैज बीन डन मैनुअली. आपने पेपर पेन पर सारा काम करते थे. मेरा फाइल्स ऑफ नो फाइल्स इज बीन स्टैंडिंग इन योर ऑफिस. अब काम करना है, ढूंढते रहे कौन सा पेज काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. लेकिन अकाउंटिंग के बाद फिर टॉक अबाउट अकाउंटिंग में इम्प्रूव जर्नल लेजर एंड योर ट्रायल बैलेंस. एवरीथिंग हैज बीन डन मैनुअली एंड देयर आर चांसेस की मिस्टेक्स ना कर रहे. बट आज क्या हो, क्या हम वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं? नो. व्हाट आर वी डूइंग?
नाउ कंप्यूटर आ गए सब जगह पर, बैंकिंग में, ऑफिस में, यहाँ तक कि अकाउंट्स के अंदर भी हमारा आ चुका है। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैं मुझे एंट्री डालनी है, उसके बाद मेरा ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री अपने पास की ऑटोमेटिकली एवरीथिंग थिंग हैज बीन डन। तो सारे बैंक चेंज हो गए, आज तारीख में आप कौन जा रहा है बैंक के, खासकर COVID-19 के लिए बात करें, वट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग द पेमेंट्स फ्रॉम होम, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं या कोई और ऐप यूज कर रहे हैं। सो इट्स अ डायनामिक फंक्शन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन, मैनेजमेंट हैज टू मेक सर्टेन चेंजेस इन देयर प्लानिंग। अगर आप पुराने ढंग पर काम करेंगे यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई वी से दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देन लास्ट वन इंटेंजिबल एंड मैनेजमेंट, यू कैन नॉट टच मैनेजमेंट, यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट, यू कैन सिंपली ऑब्जर्व मैनेजमेंट, उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई होंगे, कितना डिसिप्लिन वहाँ पर है, कितना फोकस दिया जा रहा है गेम्स को या किसी और को पर्टिकुलर एक्टिविटी को, वो आप सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको। अभी इट इज नॉट अ प्रोडक्ट विच यू कैन टच, उसको आप होल्ड कर लो, नो। सो मैनेजमेंट इज समथिंग विच कैन ओनली बी ऑब्जर्व कि काम करने में आपका कैसा रहा, मैनेजमेंट कैसा। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लेते हैं कि अगर क्लास 10th में इफ यू अज्यूम कि मुझे 75% मार्क्स स्कोर करने हैं, अज्यूमिंग कि ठीक है आपने मार्क्स स्कोर कर लिए, तब क्या करेंगे, हाँ जी मेरा मैनेजमेंट ठीक ठाक था, मैंने सही तरीके से काम किया कि मेरा मैंने मार्क्स सिक्योर कर लिए। लेकिन अगर आपका अचीवमेंट 70% तक होता है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन योर मैनेजमेंट, काम करने के तरीके में वी हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस। सो जो आपका एंड रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंगली यू विल सी कि मेरा काम कैसा हो रहा है, महसूस आप तभी करेंगे, उससे पहले आप कैसे करेंगे। तो जो आपके बार बार टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली या फिर प्री कोर्स, वो क्यों है, ताकि सो दैट यू कैन जज योरसेल्फ वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग, वेयर सो दैट यू कैन जज वेदर योर मैनेजमेंट इज गुड और बैड। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। या नाउ वी आर विल मूव अहेड लिटिल बिट एंड गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। Let's talk about objectives of management. When we talk about objectives of management, first of all, we should know what is the meaning of objective. Management chahta kya? Kya karna chahta? What are the main aim of the management? We categorize this objective again into three categories. First, organizational. Second, social objective. And thirdly, personal objective. पहला आप लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट जब अपने बारे में सोचता है, बिजनेस जब अपने बारे में सोचता है। बिजनेस अपने बारे में क्या सोचता है, अगर आज आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि आप मार्केट में स्टैंड हो सकें, आप मार्केट में या तो आपके पास बहुत ही बड़ा क्रिएटिव आइडिया हो कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप किसी मार्केट में जाएंगे सब लोग पीछे चले आएंगे आपके प्रोडक्ट, और इट कुड बी अ थिंग कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसको आप डील कर रहे हैं, आप क्या देखिए मेरा बस बिजनेस वहाँ पर सर्वाइव हो जाए। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैटेगराइज इंटू थ्री पार्ट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले कोई बिजनेस हो वही चाहता है कि मैं मार्केट में आऊँ और मैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नैनो। जब स्टार्टिंग में नैनो इंट्रोड्यूस हुई थी वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी थी,
उसकी कॉस्ट 1 लाख से भी कम रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। बार इज समथिंग विच इज हाईली कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट। यहाँ पर लोगों के पास कारों की कमी नहीं है, इतने नए नए मॉडल आते हैं, उस समय एक नई कार को एडजस्ट कराने के लिए उन्होंने प्राइस सबसे कम रखा, ताकि आपके जो एवरेज से वीक सेक्शन जो है आपके जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कार को अफोर्ड कर सके। जब मायानी की नहरों का पहला ऑब्जेक्टिव था कि वो सब सर्वाइव कर सके, दैट्स व्हाई दे कीप देयर कॉस्ट मिनिमम। जब नहरों का लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया हाँ सस्ती है, तब वो क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपना कॉस्ट बढ़ा दिया, धीरे धीरे अपना कॉस्ट बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उनका अपना ऑब्जेक्टिव था सर्वाइव करना। सिर्फ आपने जो सर्वाइवल का मतलब क्या रेवन्यू और कैपेबल ऑफ बियरिंग योर कॉस्ट, आपने जितना कॉस्ट लगाया तो कॉस्ट आपको रिकवर हो जाए, लॉसेस में ना जाए, लेकिन इससे आप लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ यू वॉन्ट सर्वाइवल की बात करें, नेक्स्ट टारगेट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज प्रॉफिट। मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ? 10 रुपये का सामान बनाया और 10 रुपये में ही अगर मैंने उसको बेच दिया तो मैंने खुद क्या किया? मैंने खुद अपनी फैमिली को फीड करने के लिए क्या किया? नथिंग। सो हमारा नेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, कि मैंने कितने मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करना है। तो विदाउट प्रॉफिट और फॉर्म कैन नॉट सर्व फॉर लॉन्ग टर्म। पहले सर्वाइव करें, उसके बाद फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट को जब आपने अर्न कर लिया, गेयर आफ्टर अब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, क्या मुझे ग्रो करना है। हम एक छोटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रॉसरी शॉप। आई हैव अ ग्रॉसरी शॉप, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आई एम नॉट मेकिंग प्रॉफिट। मैंने सारा सामान कॉस्ट पे देना शुरू किया। क्यों? ये ग्रॉसरी शॉप एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह हर गली में होती है, तो मुझे अपने कस्टमर्स बनाना है। मैंने क्या किया कि यार कॉस्ट मैंने सामान बेचना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मेरे पास कस्टमर्स बन गए। व्हाट आई डिड देन, मैं मार्केट रेट पर आ गई और मैंने अपना सामान मार्केट रेट से बेचना शुरू कर दिया। इट मीन्स नाउ आई एम कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि कस्टमर मेरे बन चुके हैं। सो आई स्टार्टेड अर्निंग द प्रॉफिट्स। अब जब मैंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, मैं क्या करूँगी? मैं छोटे ग्रॉसरी शॉप में रुकी रहूँगी? नहीं, मैं बच्चे शोरूम में रहूँगी और वहाँ पर अपना चीज़ें डिस्प्ले करूँगी, ताकि मैं ग्लास के पर काम कर सकूँ। फिर और प्रॉफिट हुआ और ग्रोथ होगी, मैं अपनी ब्रांचेज ओपन करूँगी, फिर चेहरों परचेज टू मन कन्वर्ट कर लें। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी ग्रोथ होती है, दैट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस क्या चाहता है? बेसिकली टू सर्वाइव, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स द सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी के बगैर चल नहीं सकती, तो अगर आपको वहाँ काम करना तो आपको सोसाइटी का कुछ ना कुछ सर्विसेज को देनी पड़ेगी। तो सोसाइटी को मैं क्या सर्विसेज दे सकती हूँ? आई कैन प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि सर प्रॉफिट कमाना, अगर से प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव मेरा रहेगा तो इट वुड बी अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ना वर्ल्ड। आज के तारीख में इतने सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं कि अगर मैंने ढंग से लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो वो तो कट थ्रू कॉम्पिटिशन है, मैं मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकती। So in that case, I need to provide quality product. Sorry, I just wrong written here. I need to provide quality product to the customer. Not only quality product, it should be at a reasonable cost. The price should not be too low, should not be too high. Price aisa ho ki main bhi office mein aa raha hu, samne wala customer bhi exploit na. Thereafter, hum log kya kar rahe hain wahan par? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फेयर प्रैक्टिसेस, नॉट टू इंडल्ज इन एनी अनफेयर पे प्रैक्टिस। तो कोई होर्डिंग नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई गलत काम नहीं करते। हमारे सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है पहले मैं वो फुलफिल कर रही हूँ। अगर मेरी वजह से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उस जगह पर पॉल्यूशन हो रहा है तो वह मुझे उस सोसाइटी में वो लोग काम करने देंगे ही, फिर गवर्नमेंट मुझे इंटरव्यू करेगी और मुझे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आसपास ग्रीनरी करनी पड़ेगी, मुझे अपने साथ फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एयर में ना जाए। तो कोई ना कोई व्यवहार मुझे करना पड़ेगा कि सोसाइटी भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। तो इन दोनों चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बारे में सोचा, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सोसाइटी के बारे में सोचा।
लेकिन इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? मेरे एम्प्लॉयज। कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज। अगर आप एम्प्लॉयज का ही ध्यान नहीं रखोगे तो काम कैसे होगा? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय हमसे क्या चाहता है? पहला, सैलरी डिटेल मिले, टाइम पर मिले, सब कमी से बात करें और वर्किंग कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए, है कि नहीं है? सो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है टूवर्ड्स एम्प्लॉय? हमारी क्या ऑब्जेक्टिव हो गई? दैट आई शुड प्रोवाइड हिम कॉम्पिटिटिव सैलरी, मैं उसको ठीक सैलरी दूँ, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन टाइम, टाइम से मैं उसकी पेमेंट भी करूँ, क्योंकि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो आप मेरे पास मेरे एम्प्लॉयज टिकेंगे नहीं। यहाँ पर आई नीड टू प्रोवाइड देम गुड वर्किंग कंडीशन, उनको काम करने के लिए अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, हवा पानी बिजली वॉशरूम्स हर चीज़ साफ सफाई, एवरीथिंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ, कि वहाँ वो बंदा पर्सन जो है काम करना उसको पे पसंद आ रहा, फिर अपना काम करना। नॉट ओनली दिस, नीड टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी प्लस मेडिकल फैसिलिटी एंड मे बी आफ्टर सर्विस पेंशन एंड ऑल, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द पीपल, क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तभी तो उनको मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सो इन दैट केस यहाँ मुझे टूवर्ड्स एम्प्लॉयज भी कुछ ना कुछ सोच के रखना है। सो एक मैनेजमेंट में यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज एन ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, टूवर्ड्स द सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव and towards the employees, that is more important. If you have any doubt, kindly comment on that, mujhe uska likh dijiyega taki main next session mein aapke is cheez ko kar sakun, manage kar sakun. I hope itna hi karna kaafi hai. To ye point aapko dhyan mein rakhne hain, agar possible hoga to main aapko jo bhi inse related PDF hai wo main aapko attach kar dunga, so that you can make your notes side by side. Yeah, aur ek kuch क्वेश्चन से माइंड मैप आपको भी अपने बनाने होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये माइंड मैप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस काम को करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।